इधर देखो राहुल। दोस्तों आज मैं आपको होंडा लीवो BS6 की एक प्रॉब्लम को बताना चाहता हूँ और ये जानना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप इस बाइक को लेंगे और हो सकता है आपके साथ ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है। और ये प्रॉब्लम है कि इसका जो ये आयल फिल्टर आप देख रहे हैं ये बाहर कहीं मिल नहीं रहा है, और होंडा के वर्कशॉप वाले सर्विस सेंटर वाले ये कह रहे हैं कि भाई इस चीज़ को हम बाहर नहीं देंगे। और अगर आप जैसे पूछोगे तो वो ये कहते हैं कि भाई ये हमारे पास है नहीं। है नहीं का मतलब, जैसे मैं एक महीने से पूछ रहा हूँ कि भाई हो तो दे दो, लेकिन वो कह रहे हैं कि नहीं भाई ये हमारे पास है नहीं, जब आएगा तो दे देंगे। अब ना तो वो आएगा ना तो वो मुझे दे पाएंगे, तो मतलब कि उनके पास है लेकिन वो बाहर के लिए देना नहीं चाहते हैं। अब होंडा के इतने बुरे दिन आए हैं ऐसा मैंने कभी सोचा नहीं था। जैसे एक फ़िल्टर, अगर मान लीजिए कोई आपकी सर्विस से संतुष्ट नहीं है, वो बाहर करवाना चाहता है, तो आपको इस चीज़ को ज़रूर दे देना चाहिए। क्योंकि जैसे आप या तो कहते कि भाई सर्विस सेंटर में ही खरीद के और वहीं पर गाड़ी चलाओ, जब बाहर आदमी चला सकता है, पेट्रोल डलवा सकता है, पंचर बनवा सकता है और कुछ भी करवा सकता है, रास्ते में अगर उसकी बाइक ख़राब हो गई अचानक वो इंजन ऑयल डलवा के या बाहर के मैकेनिकों से सर्विस करवा सकता है, तो मतलब क्या वो ऑयल फ़िल्टर नहीं लगवा सकता? आगे समय में ये फ़िल्टर मिल जाएगा। और इसको टेस्ट करने के लिए मैंने सोचा कि अगर हीरो का लग जाए तो मैं हीरो का लगा देता हूँ। तो फिलहाल इसमें हीरो का जहाँ तक है मुझे ऐसा लगता है कि ये लग सकता है, लेकिन ये इसका ये हिस्सा, ये वाला हिस्सा थोड़ा सा बड़ा है हीरो का और इसका थोड़ा सा छोटा है, जहाँ तक है लग जाएगा। अब मैं पुराना लाऊंगा तो फिर मैं इसमें लगा के चेक करूंगा, अभी ये नया है इसको फाड़ दूंगा, अगर नहीं लगेगा तो फिर दिक्कत होगी, तो मैं उस चीज़ को चेक करके बताऊंगा। तो मैं होंडा कंपनी से कहना चाहता हूं कि यार इतना मतलब ऐसा मत करो कि अगर कोई बाहर सर्विस करवा रहा है, या मान लो बाहर उसकी गाड़ी सीज हो गई है, फंस गया है वो, और वो फ़िल्टर मांग रहा है, तो आपको फ़िल्टर ज़रूर देना चाहिए। बस इस वीडियो से मैं इतना ही कहना चाहता था। और ये BS6 बाइक है, चाबी दिखाओ भाई ज़रा, और मैं दिखा दूं कि कितना चली हुई है। स्टार्ट नहीं करेंगे राहुल, अब इतना भी नहीं है। ये आप देख सकते हैं 18,230 किलोमीटर चली है। 2:34 पर मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ, और इससे भाई काफ़ी चलाते हैं इसको, और हालत जैसी है हैं, हाँ ये डिलीवरी से आते हैं, और जो है हमारा प्रोडक्ट भी यही लेकर जाते हैं, जो M2R प्लस पॉलिश आप लोग ख़रीदते हैं तो ये हमारे यहाँ ही सर्विस करवाते हैं। हमारे ग्राहक हैं, मैं बहुत ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये फ़िल्टर मिल जाए, नहीं मिल रहा है, तो मैंने सोचा एक वीडियो बनाकर आप लोगों को बता देता हूँ कि बहुत दिन, एक कितने महीने से ट्राई कर रहे हो, बयान दो तुम्हारे। होंडा का कोई भी सामान नहीं मिलता। अच्छा, मतलब फ़िल्टर की बात नहीं, हाँ कुछ भी नहीं मिलता होंडा का। धन्यवाद आपका हमारी इस वीडियो को से जुड़ने के लिए, मैं आपका बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद। तो दोस्तों इस चीज़ को आप थोड़ा शेयर वेयर करिए जिससे होंडा तक बात पहुँचे, और उनको सामान देना चाहिए बाहर जिससे लोग अपनी बाइक बनवा सकें। बस इस वीडियो में आपसे इतना ही कहना था। और जरा राहुल इधर खड़े हो जाओ, जरा फोटो वोटो खींच लें। तो हमारी इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।